उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक होटल में चल रहा सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। होटल के एक विधायक का रिश्तेदार का बताया जा रहा है। पुलिस ने यहां से 9 लड़कियों समेत 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को SP अभिषेक वर्मा को सूचना मिली कि डोहरा रोड पर एक विधायक के भाई के होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद SP बारादरी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और कथित होटल में छापा मारा। होटल विधायक के एक रिश्तेदार का बताया जा रहा है। SP ने यहां से 9 लड़कियों के साथ 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। SP ने बताया कि ये सभी लड़कियां दिल्ली और पश्चिम बंगाल से बुलाई गई थी। पकड़ी गई सभी लड़कियों को पुलिस महिला थाने ले गई। सभी के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्र में पता लगा है, क्या मामला है? ये थाना बारादरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक एरिया दोरा रोड है। दोरा रोड पे वेदा करके गेस्ट हाउस ऑब्लिक होटल सिचुएटेड है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पे अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। पुलिस हमारी सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बारादरी और लोकल पुलिस को लेकर के, महिला पुलिस जिसमें शामिल थी उनको लेकर के एक रेड करी गई। उस रेड में हमें उस होटल पे कुछ लड़कियां बरामद हुई हैं, कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। उन लड़कियां जो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं वो बरामद हुई। उनके पूछताछ को अभी तक उन्होंने ये खुलासा किया है कि उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, वहाँ पर अनैतिक देह व्यापार करवाया जा रहा था और इसमें आगे कार्रवाई प्रचलित है। और जो भी इसमें आगे जिनके नाम प्रकाश में आते हैं, जो भी दोषी होंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर कितने युवक हैं, कितनी महिलाएं हैं? करीब 8 से 9 महिलाएं हैं और 3-4 युवक हैं जो उनके ग्राहक थे, उनको पकड़ के लाए। साथ ही साथ होटल का भी कुछ स्टाफ है जो इसमें शामिल था। सभी से पूछताछ हो रही है, जो जो दोषी है उसको जेल भी